आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फतेहपुर आ रहे हैं दोनों पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने के लिए, तो आपसे भी मुलाकात होगी? हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं, हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया, और सपा के सरकार में ही चार चार राइफल निकलवा लिया गया था, और सपा की सरकार में बंदूक के गोए नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारे खेत हदम कब्जा करा करके हदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके हथियार सटा को सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित थे हम लोग थे, और स्कूल के ज़मीन में, वन विभाग के ज़मीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है, हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा जान माल का भी हम खतरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट, मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। यूपी में देवरिया सामूहिक हत्याकांड मामले के बाद पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को देवरिया के फतेहपुर गांव पहुंचेंगे। यहां वो सामूहिक हत्याकांड के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के घर जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि साथ ही वो घटनास्थल का मुआयना भी करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने देवरिया दौरे को लेकर गांव के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब अखिलेश यादव ने ये बात कह दी है कि वो देवरिया पहुंच रहे हैं और देवरिया के लोगों से मिलने की बात करेंगे। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले देवरिया में एक हत्याकांड मामला हुआ था, जिस पर एक परिवार ने दूसरे परिवार को मार दिया था और उस परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी थी। और ऐसे में आपको बता दें दर्शकों कि देवरिया हत्याकांड मामले पर अखिलेश यादव अब पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं। उनका कहना है कि गांव में जाकर मैं इस बात का खुद जायजा करूंगा। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने कई बार योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की लापरवाही के चलते सारे काम हो रहे हैं। सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, शिवपाल चाचा ने भी ये बात खुलकर मीडिया में आकर कही कि ये जो हो रहा है ये योगी की नाकामी का नतीजा है, ये बुलडोजर की नाकामी का नतीजा। और ऐसे में दर्शकों बता दें कि जो पीड़ित है उसने अखिलेश यादव से मिलने से मना कर दिया। जी हाँ दर्शकों, सही सुन रहे हैं आप, कि जो पीड़ित है उसने ये बात कह दी कि मुझे अखिलेश यादव से नहीं मिलना, उनके ही सरकार में एक बार ऐसा फिर हुआ था जब मेरे चाचा ने जो है जानबूझकर उनकी संरक्षण को लेकर हमारे खिलाफ कार्रवाई करवा दी थी और हमारी ज़मीन को हड़प लिया था। और आपको बता दें पूरा मामला जमीन से ही जुड़ा है, यानी कि दो परिवारों के बीच, दो घरों के बीच में जमीन को लेकर विवाद हुआ और ऐसे में एक परिवार ने दूसरे परिवार के 6 सदस्यों की मौत कर दी, जिसमें से एक पीड़ित बच्चा बचा है जो इस पूरे बयान को बता रहा है और अखिलेश यादव से मिलने के लिए उसने मना कर दिया। अब दर्शकों देखना होगा जिस प्रकार से अखिलेश यादव वहां पर पहुंच रहे हैं और गांव में जाकर वो पीड़ितों से मिलना चाहते हैं और ऐसी बात उन्होंने कही, और ऐसे में उस बच्चे के बयान के बाद से ही फिर से एक बार अखिलेश यादव का दिल टूटता हुआ नजर आया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ देवरिया हत्याकांड मामले के पीड़ित ने उनसे मिलने से मना कर दिया है। तो अब क्या कुछ अखिलेश यादव इस मुद्दे पर कहते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।